सो गाइस, आज हम इस आर्टिकल को कॉपी करेंगे तो हम चलते हैं अपने वर्किंग पेज पे। वर्किंग पेज में आने के बाद हमने दोनों लेटर को टाइप कर लिया। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ एस और पी, और हम यहाँ से हॉर्नबिल फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। हॉर्नबिल फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसे क्रिएट आउटलाइन करके यहाँ पे हम साइज सेट करेंगे 12 इंच, इसे 13 कर देते हैं, 13 टके ठीक रहे। हाँ तो 13 इंच यहाँ पे हाइट, और हमें इस लेटर का मोटाई बढ़ाना है, यानी इसे थोड़ा और मोटा करना है, तो हम यहाँ से इसे मोटा कर देंगे। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ कैसे मोटा किया इसे ऑफसेट देके, आप इसी तरह से इसे मोटा कर ले। उसके बाद हम फॉन्ट के लिए ऊपर में क्राउन डाउनलोड करते हैं, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूँ। देख आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फॉन्ट को किस तरह से, यहाँ पे दोनों क्राउन मैंने डाउनलोड करके रख लिया है ताकि मैं इस फॉन्ट की मदद से, यहाँ पे मैं कुछ और फॉन्ट भी डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले। तो बढ़ते हैं अपने अपने अगले वर्क की तरफ। हम यहाँ पे इस क्राउन को सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना हमें इसका जरूरत है, जितने पार्ट की जरूरत है हम उतने पार्ट को सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसे सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे किस तरह से इसे सेट कर रहा हूँ ताकि ये एकदम परफेक्टली मैच हो जाए और पता भी ना चले कि अलग से लगा हुआ है, ऐसा लगे कि एकदम अटैच है, ताकि ये और भी ज़्यादा प्रीटी लगे। इसके लिए हम इसे और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। आप देख पा रहे हैं मैं किस तरह से इसे सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद हम यहाँ पे से कुछ फॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं। अब उसके बाद हम हार्ट लगाएंगे। हार्ट लगाने के लिए हम कुछ अच्छा सा हार्ट डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे काम आ जाए। यहाँ से हार्ट के डिजाइन को कॉपी कर लिया, तो कुछ और डिजाइन देखते हैं। हाँ ये काम आ सकता है हमारे, यहाँ पे हम इसे कॉपी करके पेस्ट करके ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद एस और पी लेटर को जोड़ने के लिए इसका यूज हम करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैं इसका यूज कैसे कर रहा हूँ। पहले तो हम इस हार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद एस और पी को थोड़ा सा शेप दे देंगे, उन दोनों के बीच में हम ये हार्ट को लगाएंगे। आप अल्ट दबा के हार्ट की कॉपी बना सकते हैं डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए, जिस तरह से हम फोटोशॉप में कंट्रोल जे करते हैं, उस तरह इसमें अल्ट दबा के अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी कॉपी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बटरफ्लाई हो गया और कुछ कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट है उसे भी हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे प्रिंसेस देख पा रहे हैं, हमने सामने ही देखा था प्रिंस और प्रिंसेस। तो उसके लिए जो हम फॉन्ट यूज करेंगे, जो कि फॉन्ट हमारा काम आता है वो ये है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख भी सकते हैं। शायद आपके सॉफ्टवेयर में ये फॉन्ट अवेलेबल हो तो आपको और आसानी होगी। मैं यहाँ पे इसे फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कपल का नाम टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमने टाइप किया सचिन एंड प्रेरणा, तो हमने यहाँ पे सचिन एंड प्रेरणा टाइप कर लिया। इस टेक्स्ट को अब हम इस टेक्स्ट को इस लेटर में अपने हिसाब से एक अच्छा आर्टिकल को बनाने के लिए सबसे मेन होता है कि उस लेटर की डिज़ाइन अच्छे से की जाए, तो वही हम आज करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वाइट कर लेते क्योंकि हमें ब्लैक के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे बारी बारी सभी लेटर्स को अपने हिसाब से हम इसके डुप्लीकेट अल्ट दबा के हम अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हम इसके डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद हमें पीछे वाले आर्टिकल में बस बीट की जरूरत पड़ेगी, बीट भूला जाए तो जो दोनों को आपस में जोड़ेगा उसी को बस हम रखेंगे, बाकी सभी पार्ट को हम डिलीट कर देंगे बैक वाले पोर्शन में। बैक वाले पोर्शन में हम अपने सारे पार्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पहले इसे अल्ट दबा के ही कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक नॉर्मली सिंपल से डिज़ाइन बता रहा हूँ। आप इन दोनों को अगर लगाएंगे, क्योंकि इनकी और इनकी दोनों की साइज सेम होती है, सब तरफ से सेम होने के बाद ये आपको ऐसा आर्टिकल कुछ दिखेगा।